आज हम कच्चे आम से बनने वाले आम पन्ना की रेसिपी लेके आए हैं। गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। आम पन्ना पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है, लू के लगने से बचाता है और शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। ये बनाने में आसान है और पीने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सेफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखते हैं कि आम पन्ना कैसे बनाते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम ताजे कच्चे आम लिए हैं। इनको मैंने दो तीन बार अच्छे पानी से धो लिया है। अब हम इनको बॉईल करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में हमने पानी ले लिया है, इसमें हम आमों को डालेंगे। पानी हम इतना लेंगे कि हमारे आम अच्छे से पानी में भीग जाएं। अब हम कच्चे आमों को बॉईल करेंगे। इस पे एक प्लेट लगा देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हम आम को पकने तक बॉईल करेंगे। अब हम अपने आम चेक कर लेते हैं। आम का देखिए कलर चेंज हो गया है और आम मुलायम भी हो गए हैं। आम हमारे बॉईल हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम आम निकाल लेंगे और फिर ठंडा करके आम का पन्ना बनाएंगे। आम हमारे ठंडे हो गए हैं। अब हम एक बॉल लेंगे। बॉल में हम लगभग 1.5 कप पानी डाल लेंगे। आप ठंडा पानी भी ले सकते हैं। अब हम आम के ऊपर की ये टिप को हटाएंगे और हम आम को दबाकर इसका पल्प निकाल लेंगे इस तरह से। अभी गुठली नहीं पड़ी है पूरी तरह से। इसी तरह से हम सारे आमों का पल्प निकाल लेंगे। आम का मैंने पल्प निकाल लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम आम के पल्प को डालेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच सादा नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर। 1/4 चम्मच पुदीना पाउडर डालेंगे। ये पुदीने को सुखाकर फिर इसका पाउडर बना लिया है। आप फ्रेश पुदीने का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसमें लगभग 1/2 कप हम चीनी डालेंगे। चीनी को भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम मिक्सी में इन सभी को मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा आम का पन्ना स्मूथ बनके तैयार होगा। मिक्सी में सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हमारा आम पन्ना सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। अब हम आम पन्ना को सर्व करेंगे। अब हम एक ग्लास लेंगे। ग्लास में हम आइस क्यूब डालेंगे। आम पन्ना को डालेंगे। और एक फ्रेश पुदीने की पत्ती को हम लगाकर सर्व करेंगे। आम पन्ना हमारा बनके तैयार है। आप गर्मियों में इसे बनाकर अपने फैमिली और फ्रेंड्स को सर्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।